फ्रेंड्स देखो, बारिश हुआ है और कितनी ज़्यादा जंगल हो गई है मेरे गार्डन में। देखो देखो, बाप रे, ये मैंने एक सनी का पेड़ लगाया यहाँ पे, साउथ डायरेक्शन में इसको घर से रखा जाता है। देखो अच्छा ग्रोथ है इसका, भी छोटा सा पेड़ लगाया था मैंने। देखो जंगल तक के जाना पड़ रहा है मुझे रोज़ का दर्शन कराने आपको। ये एलोवेरा लगाया है मैंने, बारिश बहुत हो रहा है बट इसको कम बारिश में रखने वाला प्लांट है ये, बट ऊपर से पानी गिरता भी बरसात में तो पूरा गीला गीला हो रखा है इसका मिट्टी। ये देखो येलो रोज़ फ्रेंड, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और है ऊपर में येलो रोज़, दो छोटे छोटे पिंक रोजेस। एक बार ओवरव्यू देख लो मेरे गार्डन का, पूरा जंगल जंगल हो रखा है, जंगल जंगल। वो वहाँ देखो, इसको हम लोग घ्यूरा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे इधर बिहार में, घ्यूरा निनुआ ये बोला जाता है। इधर ये मकई, इसमें मकई फरा हुआ भी है, इस तरफ भी फिर घ्यूरा फरा हुआ है। देख लो कुछ ना कुछ मैं और मेरी मम्मी करते रहते हैं। इसमें बहुत सारा अमरूद फरा हुआ है, यहाँ पे अमरूद का पेड़ है देखो, ग्रीन पेड़ ग्रीन फ्रूट इसलिए दिख नहीं रहा है पास से। यहाँ पे नींबू, नींबू दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक से देखिए नींबू दिख जाएगा। अब मैं आपको छत का व्यू दिखाती हूँ। ये मेरा टेडी देख लो, छत पे जाने से पहले, ये 6 फीट का, मेरे से भी लंबा। दो टीड़ा मीड़ा का फूल, लाल कलर का इसमें फ्लावर होता है, और मैंने इसमें फर्टिलाइजर के रूप में प्याज का छिलका डाला है। देखो देखो, अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने गुलाब के पेड़ के पास। इसमें ये गुलाब छोटा हो गया थोड़ा सा, ये बट देखो कितनी सारी आई हुई है गुलाब में। बस आप उसको अच्छे से शाम के शाम धो दो, और कभी कभी चाय पत्ती डाल दो बिना मीठे वाला। गमला देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये मैरी गोल्ड, ये भाई कीड़ा, ये भी कीड़ा, ये एक येलो कलर का फ्लावर होता है, पता नहीं ठंड में होता है, अभी तो खिला नहीं है। अपराजिता देखो, 3-4 लेयर वाली अपराजिता है ये, सिंगल वाली भी होती है, ये 3-4 लेयर वाली है, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी है। ये छत पे डब्बे में मैंने लगा रखा है। यार ये सब फ्लावर में ज़्यादा मेहनत नहीं होती, और देखने में एवर ग्रीन हमेशा बेस्ट है ये सब, कम केयरिंग में रोपने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बहुत कम मेहनत करना चाहते हो, बरसात का टाइम है, तो ये प्लांट तो बिल्कुल मस्ट है कि आप लगाओ। ये लक्ष्मण बूटी और पर्टिकुलर का बोलते हैं इसको, डब्बे में, कटोरी में, टूटे हुए बर्तन में, जो भी है आपके पास नॉट इन यूज्ड बर्तन में लगा दो, पानी भी कम, मिट्टी भी कम, और फ्लावरिंग तो इतनी सुंदर। बस इसकी यही एक डिमेरिट है कि ये 2-3 बजे दोपहर के बाद फिर ये बंद हो जाती है कली इसकी दोबारा। वैसे तो कि आप लोग कहीं भी मिट्टी में गाड़ दोगे, आराम से इसका प्लांट लग जाएगा और ग्रोथ एकदम बढ़िया से करने लगेगा। मैं इसको कहीं और लगाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आपको कि देखिए कितना बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है इतना जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर फ्लावर है, बस अच्छे से केयर करो और कभी कभी इसमें भी चाय पत्ती डाल दो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड।
बाय बाय।